गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्लास बी फर्स्ट ईयर गर्ल्स। देखिए, हम लोग फासीवाद पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1919 में मिलान में फासिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इस दल का नेता कौन था? फासी दल का नेता मुसोलिनी था, ठीक है। और मुसोलिनी इटली का सर्वे सर्वा बनना चाहता था। तो हम लोगों ने फासिस्ट दल के बारे में पढ़ा कि किस तरह इसका गठन हुआ और क्या इसका प्रतीक चिन्ह था और क्या फासिस्ट दल के कार्यक्रम थे, ठीक है। तो अब हम आगे फासीवाद सत्ता में किस तरह से आया, इसके उदय के क्या कारण थे, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इटली की अगर हम बात करते हैं तो इटली प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही जैकल पॉलिसी में विश्वास करता था। जैकल पॉलिसी इट मीन गीदड़ नीति, जहाँ अपना फायदा देखा वहां भाग गया, जहाँ अपना फायदा देखा वहां भाग गया, ठीक है। तो देखिए, इस कड़ी के दौरान इटली ने क्या किया था अपनी जैकल पॉलिसी गीदड़ नीति के दौरान, 1882 की बात है, 1882 में इटली ने क्या किया था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर एक संधि की थी और एक त्रिगुट बनाया था, दूरी राष्ट्रों का गुट बना था। इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में बात पढ़ाई थी, ठीक है। तो 1882 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर इटली ने एक त्रिगुट का निर्माण किया था, ठीक है। तो देखिए, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इटली क्या है, प्रारंभ में प्रथम विश्व युद्ध में नहीं गया, तटस्थ रहा, अलग रहा, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने मित्रों के साथ नहीं गया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही क्या हुआ, मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्रों ने इटली को क्या कहा कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, अगर तू मित्र राष्ट्रों की ओर से, हमारी ओर से युद्ध में भाग लेगा, अगर हम युद्ध जीत गए, तुझे पता है युद्ध तो हमने जीतना है, अगर हम जीत गए तो हम तेरे को कुछ क्षेत्रीय लाभ दे देंगे, कुछ प्रदेश दे देंगे, ठीक है। तो इटली को लगा कि इसमें तो मेरा फायदा है, ठीक है। तो इटली ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लिया, मतलब जहां उसे अपना फायदा लगता था वहां वो भाग जाता था, गीदड़ नीति जैकल पॉलिसी में विश्वास करता था, ठीक है। तो इस तरह जैकल पॉलिसी में विश्वास करने वाले इटली में फासीवाद कैसे आया, क्या कारण थे मुसोलिनी के सत्ता में आने के, तो देखिए फासीवाद क्यों देखेगा, जो पहला और इम्पोर्टेंट कारण था वो था वर्सायल की संधि से उत्पन्न असंतोष। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो वर्सायल की संधि हुई थी, तो इस संधि में इटली ने भी भाग लिया था और मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया था। क्यों? क्योंकि युद्ध से पहले मित्र राष्ट्रों ने इटली के साथ गुप्त समझौता किया था कि अगर हम युद्ध विजयी रहेंगे और तू हमारी तरफ से युद्ध में भाग लेगा तो हम तुझे कुछ क्षेत्रीय लाभ दे देंगे, ठीक है। तो इसी क्षेत्रीय लाभ की आशा से ओरलैंडो, इटली के प्रधानमंत्री ओरलैंडो ने पेरिस शांति सम्मेलन में वर्सायल की संधि में भाग लिया था, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन और ओरलैंडो की कुछ झटपट हो गई और ओरलैंडो की हट धार्मिकता के कारण इटली को इस संधि में निराशा मात्र हाथ में लगी, ठीक है। और इटली के साथ क्या हुआ, विश्वासघात हुआ, ठीक है। इटली को कोई भी क्षेत्रीय भूभाग नहीं दिया गया, ठीक है। तो इटली की जनता इसे क्या मानती थी, अपने देश का अपमान मानती थी और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो इस अपमानजनक संधि से मुक्ति दिलवा सके, ठीक है। तो और इटली का नेतृत्व कर सके, ऐसा व्यक्ति तब उन्हें मुसोलिनी में नजर आया और उन्होंने मुसोलिनी को समर्थन दिया और परिणाम स्वरूप मुसोलिनी और उसका दल फासीवाद सत्ता में आया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहला कारण जाना। अब तो हम बात करते हैं फासीवाद के इटली में आने के दूसरे कारण की। दूसरा कारण था साम्यवाद का भय। देखिए, 1917 में रूस में क्या हुई थी, बोल्शेविक क्रांति हुई थी, ठीक है। रूस में क्या हो गया था, साम्यवाद का प्रचार प्रसार हो रहा था और इसी साम्यवाद का असर इटली में भी देखने को मिल रहा था। इटली में क्या हो गया था, साम्यवादियों को काफी सीटें मिल गई थी, ठीक है। तो जब साम्यवाद को काफी सीटें मिल गई, ठीक है, साम्यवादियों की संख्या बढ़ने लग गई, ठीक है, तो मुसोलिनी और उसके दल, फासीवादी दल ने क्या किया, मुसोलिनी और उसके दल ने जर्मन इटली के उद्योगपतियों,
व्यापारियों और जमींदारों को भयभीत करना, डराना शुरू कर दिया कि इटली में साम्यवाद का प्रचार प्रसार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उनको सरकार में सीटें मिलती जा रही हैं, अगर इसी तरह साम्यवाद आ गया तो तुम पूंजीपतियों की पूंजी छीन लेगा, जमींदारों की जमीनें छीन लेगा और व्यापारियों के व्यापारों पर कारखानों पर अपना अधिकार कर लेगा, मजदूरों का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, इटली के उद्योगपति व्यापारी जमींदार क्या हो गए, डर गए और उन्होंने मुसोलिनी को समर्थन दिया, तन मन धन से मुसोलिनी को समर्थन दिया कि तुम सत्ता में आ जाओ और हमें इस साम्यवाद से बचा लो, साम्यवाद को खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि मुसोलिनी ने कहा था अगर मैं सत्ता में आ गया तो मैं साम्यवाद को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, मुसोलिनी को मुक्त हस्त दान दिया, परिणाम स्वरूप मुसोलिनी सत्ता में आ गया। देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की या फ्रांस की, तो ये भी साम्यवाद से भयभीत थे कि साम्यवाद बढ़ता जा रहा है, ये भी चाहते थे कि साम्यवाद खत्म हो जाना चाहिए, तो इन्होंने भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मुसोलिनी को समर्थन दिया, परिणाम स्वरूप मुसोलिनी सत्ता में आ गया। ठीक है, तो ये मुसोलिनी के सत्ता में आने का दूसरा कारण था। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण, इटली की तत्कालीन सरकार के प्रति असंतोष। देखिए, मुसोलिनी से अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो इटली में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाली सरकार थी। ठीक है, और ये जो सरकार थी, ये जब इसमें चुनाव होते थे तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाली सरकार में किसी भी दल को बहुमत, जब चुनावों के दौरान किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता था, और जब बहुमत नहीं मिलता था तो कैसी गठबंधन की सरकारें बनती थी, मतलब विभिन्न दल गठित होकर सरकार बनाते थे। ठीक है, अभी अलग अलग दल हो, दलों की सरकार थी जिनमें क्या थी, विचारों में भिन्नता थी, विचार एक जैसे नहीं थे और हर सरकार अपने आप को बचाने में रहती थी कि अगर उसने अपना गठबंधन वापस ले लिया तो मेरी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, अपनी अपनी सरकार को बचाने का प्रयास करते थे, अपने अपने पद के बारे में सोचते थे। ठीक है, जनता की भलाई की ओर उनका कोई ध्यान नहीं था, सार्वजनिक कार्यों में उनका कोई ध्यान नहीं था, विकास कार्यों में कहीं कोई रुचि नहीं थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो इटली की जनता थी वो सरकार को क्या है, बदलना चाहती थी और एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता सौंपना चाहती थी जो शीघ्र निर्णय ले सके। क्यों? क्योंकि जनता को ये लगता था कि जो गठबंधन की सरकार है इसमें शीघ्र से निर्णय नहीं लिया जाता, क्योंकि बहुमत होता नहीं तो निर्णय होता नहीं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के हाथों में सत्ता होनी चाहिए जो शीघ्र निर्णय ले सके, ऐसा व्यक्ति तब उन्हें मुसोलिनी में नजर आया, परिणाम स्वरूप मुसोलिनी सत्ता में आया। ठीक है, अगला जो कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक असंतोष। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यद्यपि देखिए मित्र राष्ट्रों की ओर से इटली ने युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, तो लेकिन इटली को इस युद्ध में काफी धन, जन धन की हानि उठानी पड़ी थी, उसके उद्योग धंधे कारखाने सब क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। ठीक है, तो अब जनता चाहती थी कि उनकी जो आर्थिक स्थिति डगमगा गई है सुधरनी चाहिए, उनको अपनी सरकार से कुछ ऐसी आशा थी, लेकिन सरकार जो थी उनकी समस्याओं का समाधान करने में असफल रही, जिससे जनता में असंतोष पैदा हो गया और जनता के इसी असंतोष का फायदा मुसोलिनी ने उठाया और परिणाम स्वरूप मुसोलिनी सत्ता में आ गया। ठीक है, अब अगला जो कारण है वो है राष्ट्रवादियों में असंतोष। राष्ट्रवादी देश से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने इटली के साथ एक संधि की थी, गुप्त समझौता किया था कि अगर तुम इटली, तुम अगर मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लेते हो और मित्र राष्ट्र जब युद्ध जीत जाएंगे तो इटली तुम्हें हम फ्यूम का बंदरगाह दे देंगे। ठीक है, फ्यूम का बंदरगाह देने का आश्वासन दिया था। ठीक है, लेकिन वर्षाए की संधि में ओरलैंडो को या इटली को निराशा हाथ लगी, उसे फ्यूम का बंदरगाह नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में इटली के एक राष्ट्रवादी, खुद प्यार करने वाले, देश से प्यार करने वाले कवि डेंजियो, डेंजियो उसका नाम था, डेंजियो ने क्या किया, फ्यूम के बंदरगाह पर अपना
व्यक्तिगत शासन स्थापित कर लिया, फिल्म पर अपना झंडा कर दिया कि फिल्म तो हमारा ही है, हम इसको लेकर ही रहेंगे। जब फिल्म पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने इटली की सरकार पर दबाव डाला कि फिल्म को खाली करवाया जाए, तो सरकार ने फिल्म को खाली करवा दिया। तो जनता को लगा कि फिल्म पर अधिकार न करना सरकार की कायरता है, सरकार इन्हें अधिकार करने दे रही है तो ऐसी सरकार को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, जब सरकार तो ऐसी स्थिति में मुसोलिनी सत्ता में आया। आगे के आगे और भी टॉपिक चलेगा, उसमें हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।